नमस्कार। देश और प्रदेश शिक्षा से संबंधित समाचार प्राप्त करने के लिए आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज़। यहाँ पर शिक्षा विभाग से संबंधित उत्तर प्रदेश से दो बड़ी खबरें आ रही हैं। 22 अप्रैल को माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग की मीटिंग लेंगे मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। अनुदेशक नवीनीकरण प्रपत्र VRC केंद्रों पर जमा करवाएं, सरकार ने शुरू की भर्तियाँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग की मीटिंग। यूपी सरकार ने शुरू की विभिन्न विभागों में भर्तियां। थिएटर एवं फिल्म में बने प्रोफेसर, 26 अप्रैल को इंटरव्यू। सरकार ने रखा बेसिक शिक्षा विभाग में 2 करोड़ नामांकन का बड़ा लक्ष्य। स्कूल चलो अभियान की युद्ध स्तर पर गांव-गांव, नगर-नगर और शहर-शहर हो चुकी शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। 22 अप्रैल को बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग की अहम बैठक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के बिंदुओं पर होगा विचार। 22 अप्रैल को बेसिक शिक्षा विभाग की मीटिंग होने जा रही है, इसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। बैठक में सभी विभागों का होगा प्रेजेंटेशन। बैठक में सभी विभागों से ली जाएगी रिक्त पदों का की जानकारी, ब्यौरा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होगी चर्चाएं। इस दिन शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक लिए जाएंगे कई नए फैसले। लखनऊ केंद्र सरकार के खेलो इंडिया अभियान की तरह ही बेशक कोई अभियान शुरू ना किया हो, लेकिन इस क्षेत्र में भी मैदान मारने की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तय किया है कि हर मंडल में खेल महाविद्यालय, स्पोर्ट्स कॉलेज का या खेल अकादमी की स्थापना PPP मॉडल पर की जाएगी। सरकार प्रदेश के लिए अलग से खेल नीति भी बनाने जा रही है। ये एक बड़ी खबर हो सकती है फिजिकल एजुकेशन के मामले में। मुख्यमंत्री जी के सामने बुधवार को शिक्षा क्षेत्र की जो योजनाएं प्रस्तुत की गई, उनमें खेल, युवा कल्याण, युवाओं के कौशल विकास का भी खाका अगले 5 वर्ष के लिए खींचा गया। पिछले दिनों टोक्यो ओलंपिक पदक में जीतने वाले देश भर के खिलाड़ियों को पुरस्कृत सम्मानित कर चुकी योगी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने अपनी प्राथमिकता में रखा है। इसी के मद्देनज़र योगी जी ने मेरठ में नवाधीन मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि इसके कुलपति खेल जगत के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ही बनाए जाने चाहिए। इस दिशा में बड़ा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के हर मंडल में एक खेल अकादमी या स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की जाए। PPP मॉडल पर बनाने पर विचार किया जाएगा। ये संस्थान खेल की किसी एक एक विधा के लिए होंगे। खेल संबंधित अव स्थापना सुविधाओं के लगातार विकास का दावा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन प्रयासों को और नियोजित स्वरूप देते हुए जल्द ही मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की जाए। यथाशीघ्र प्रदेश की नई खेल नीति तैयार करने का निर्णय भी लिया गया है, जिसमें खेल जगत के प्रोफेशनल की मदद ली जाएगी। इसी से जुड़े मंगल दलों को भी प्रोत्साहन देने की तैयारी है। CM ने कहा कि मंगल दल खेलकूद के साथ युवाओं के सामाजिक सरोकारों से जुड़ने का शानदार मंच बनकर उभरे हैं। मंगल दलों द्वारा फिट इंडिया, नमामि गंगे, पदारोपण, रक्तदान, स्वच्छता, कोविड से राहत एवं बचाव जैसे महत्वपूर्ण काम किए गए। आगामी 100 दिनों में 1000 और 2 वर्षों में 11,000 मंगल दलों को गठित किए जाएंगे। साथ ही बनेगा कौशल विश्वविद्यालय। खेल के साथ ही भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार का खास जोर कौशल विकास पर है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही इस दिशा में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार ने अगले 5 वर्षों में युवाओं के कौशल के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि कौशल विश्वविद्यालय, स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए फिजिबिलिटी स्टडी व भूमि का चयन समय से कराया जाए। सरकार का जोर रोजगार परक शिक्षा पर है। ऐसे में तय किया गया है कि 6 माह में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पहले चरण में 25,000 माध्यमिक व उच्चतर कक्षाओं के छात्रों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कक्षा 9 और 11 में इंटर्नशिप प्रोग्राम, रोजगारोन्मुख कौशल शिक्षा और सर्टिफिकेशन, राज्य विद्यालय नामांकन,
प्राधिकरण की स्थापना के साथ ही 5 वर्ष पर विद्यालयों के मूल्यांकन और प्रमाणीकरण की व्यवस्था का निर्देश भी सीएम जी ने दिए हैं। वहीं अगले 100 दिनों में 3 रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। 2 वर्षों में राजकीय आईटीआई में इग्नू के लर्निंग सेंटर की स्थापना करने और छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ ही उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान कराने की रूपरेखा बनाई जा रही है। ये समाचार आप अनुदेशक न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया से उपलब्ध कराए गए हैं। खेल जगत के प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे मेजर ध्यानचंद खेल विवि के कुलपति। शुरू होगा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, कौशल विकास के लिए ये भी। जापान में उद्योगों के संचालन के लिए कुशल जनशक्ति की आपूर्ति और जापान भाषा के अध्ययन की भी व्यवस्था की जाएगी। निर्माण क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए 6 माह में 10,000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को निर्माण क्षेत्र में प्रशिक्षित कराया जाएगा। शहरी क्षेत्र में सर्विस सेंटर जैसे हाउस कीपिंग, हॉस्पिटैलिटी, वेयर हाउस, अकाउंटिंग आदि में प्रशिक्षण को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूलों को संविलियन और कंपोजिट श्रेणी में शामिल करने के बाद भी समस्या जस की तसी। समाचार आ रहा है धामपुर क्षेत्र से। धामपुर नगर क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों का टोटा है। शिक्षकों की कमी के कारण अधिकांश स्कूल शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं। नगर क्षेत्र में 12 प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल संचालित हैं। शिक्षकों की कमी को देखते हुए इनमें से कई प्राथमिक स्कूलों को मिलाकर संविलियन और कंपोजिट विद्यालय बना दिए गए हैं। ऐसा किए जाने से अब स्कूलों की संख्या 12 से घटकर 7 हो गई है, पर अभी भी कई ऐसे स्कूल हैं जो केवल शिक्षा मित्रों के दम पर चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर प्रदेश से आ रही। परिषदीय विद्यालयों में सत्र 2022-23 में 2 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने रखा है। परिषदीय शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सीय सुविधा। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि परिषदीय शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा से 100 दिनों में लाभान्वित कराएं। परिषदीय विद्यालय में सत्र 2022-23 में 2 करोड़ छात्र छात्राओं के नामांकन का लक्ष्य लेकर नियोजित ढंग से कार्य करें। सभी छात्राओं का 100% आधार पंजीकरण कराया जाए। बच्चे गणवेश में ही विद्यालय आए। 2 वर्ष के भीतर प्रदेश में अध्ययनरत समस्त छात्राओं को चाइल्ड ट्रेनिंग सिस्टम से जोड़ने की कार्यवाही की जाए। समस्त परिषदीय विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा के लिए न्यूनतम 1 क्लासरूम की स्थापना का लक्ष्य लेकर कार्य करें। हर ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के प्रयास हों, जो कि एक अति शुभ कार्य होगा। शिक्षक भर्ती के लिए 26 से होगा साक्षात्कार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए 26 से फिर साक्षात्कार शुरू होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। विभिन्न पदों के लिए चैथम लाइन स्थित अतिथि गृह में सुबह 9 बजे से साक्षात्कार शुरू होंगे। 26 अप्रैल को सेंटर फॉर थिएटर एंड फिल्म में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू होंगे। एससी वर्ग में 8 पदों पर भर्ती होगी, ओबीसी में 10 और अनारक्षित में 9 और असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी बी में 4 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए अनारक्षित वर्ग के 3 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी इसी दिन लिया जाएगा। 27 अप्रैल को जंतु विज्ञान में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद के लिए साक्षात्कार होगा। प्रोफेसर पद के लिए अनारक्षित वर्ग से 5 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विशेषज्ञ के लिए 3, एससी वर्ग से 5, ओबीसी से 5 और अनारक्षित वर्ग से 8 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इससे पूर्व 5 विभागों के 8 विषयों में 48 अभ्यर्थियों का कार्य परिषद की बैठक में लिफाफा खोलकर चयनितों को नियुक्ति दे दी गई है। एक और बड़ी खबर, संविदा कर्मी को नियमित करने के फैसले में दखल देने से हाई कोर्ट का इनकार। ये प्रयागराज से समाचार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने विकास भवन जौनपुर में पिछले 29 साल से संविदा जनरेटर ऑपरेटर को नियमित करने संबंधित एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। ये एक अच्छी खबर हो सकती है जिन्हें नियमितीकरण का हक प्राप्त हो। ये थी अब तक की न्यूज़ अपडेट। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।